अस्सलाम वालेकुम चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ अरबी गोश्त की। अरबी गोश्त के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें अरबी है मेरे पास, तकरीबन 300 ग्राम मैंने अरबी लिया है और कुछ मसाले लिए हैं इसमें जो कि मैं इसको रोस्ट करके इस्तेमाल करूँगी। धनिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून है, 2 स्टिक हैं दालचीनी के, तेज़पात है 1, और हाफ टी स्पून जो है वो मेरे पास काली मिर्च है, और इसके अलावा लौंगे हैं 2 से 3, 2 से 3 मेरे पास ग्रीन वाली छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है। इसके अलावा नमक इस्तेमाल करूँगी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा इसमें मेरे पास जो है वो 1/2 कप दही है, और कटिंग कर ली है मैंने धनिया जो है वो बिल्कुल चॉप बारीक कटिंग कर ली है इसकी, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने बड़ी थी मेरे पास तो मैंने 20 से कट कर लिया है इसे, और इसके अलावा प्याज़ है जो कि मैं फ्राई करूँगी, और प्याज मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज जो है वो ले लिया है, और कुछ मैं खड़े जो साबित गरम मसाले हैं वो इस्तेमाल करूँगी। ये साबित गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिए, यानी जो भूनने वाले मसाले हैं उसके अलावा ये साबित जो चीज़ें हैं 2 स्टिक और छोटी इलायची बड़ी इलायची है मेरे पास और लौंगे हैं। ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और फ्राई करने के बाद इसी में मैं प्याज ऐड कर दूँगी। ये देखें ये 2 दरमियानी प्याज है मेरे पास जिसे मैं इस ऑयल में मैंने ऐड कर दिया है, और इसे गोल्डन ब्राउन जो है वो फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन फ्राई करने के साथ ही मैं इसमें जो बीफ बोटी है मेरे पास, क्योंकि मैं बीफ ऐसे बना रही हूँ अरवी गोश्त, बहुत मज़े की है रेसिपी बनती है, और वैसे भी अब बकरीद का सीज़न आ रहा है, बड़ी ईद का, और हमें हम हर तरह की डिशेस बनाएंगे और सब्ज़ी के साथ तो गोश्त का मज़ा ही कुछ और होता है, तो इसीलिए मैंने अरबी गोश्त, अभी सीज़न भी है, अरबी गोश्त जो है वो बनाया है ताकि आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो ये देखें प्याज जो है वो मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देंगे, गोल्डन ब्राउन मैंने प्याज किया। अब इसमें मैं अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ, और अदरक लहसुन को भी इसके साथ फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और बीफ मेरे पास है 700 ग्राम बीफ की बोटियां मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, बीफ की बोटियां आप चाहें तो बोन वाली भी यानी हड्डी वाली भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने जो है मेरे पास चूँकि बोनलेस थी तो, लेकिन थोड़ा सा उसमें फैटी होना चाहिए उसको ताकि उसका मज़ा आए, बिल्कुल विदाउट फैट जो हम यूज़ करते हैं उससे सालन में इतना मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सा हड्डी वाले हो ये बीफ का की जो बोटी है, या फिर ये है कि इसमें थोड़े से फैटी होना चाहिए इसको ताकि सालन में इसका मज़ा आए। अब इसको इतना ज़्यादा अच्छी तरह से भून लेना है कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए, और पानी इसका जो है गोश्त का वो तकरीबन खुश्क हो जाए। इस तरह के गोश्त को जब हम फ्राई करते हैं तो कोशिश यही करनी चाहिए कि खुले तौर पर उसको फ्राई करें और इसको इसका कलर चेंज हो, और जब जैसे ही कलर चेंज हो जाए तो उसको कुछ टाइम के लिए यानी 3 से 5 मिनट्स के लिए कवर कर दें ताकि इसका पानी खुश्क हो, और फिर इसको अच्छी तरह से पहले प्याज के साथ भून लें। ये देखें अब मैंने इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ मज़ीद भूना है कि इसका पानी जो है वो मज़ीद ख़त्म हो जाए, इसी से इसमें टेस्ट आता है। पानी के साथ अगर हम इसमें मसाला शामिल कर देते हैं तो वो टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। अब मैं इसमें जो ये मसाले हैं मेरे पास वो मैंने ऐड किया है, यानी 1 टेबल स्पून इसमें बराबर से पिसी हुई लाल मिर्चें थी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी, ये मैंने इसमें ऐड करके, और थोड़ा सा नमक यानी 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम बराबर से मैंने नमक इसमें ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले को अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे, जैसे ही मसाले का कच्चापन ख़त्म होगा तो मैं इसमें पानी डालूंगी, और पानी डाल के बीफ को टेंडर होने के लिए, गलने के लिए मैं रख दूंगी तकरीबन
जो है वो 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए, टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद मैं इसमें अरवी ऐड करूँगी, ये देखें। लेकिन इससे पहले इसकी भुनाई अच्छी सी कर लेनी है, ताकि मसाला हमारा पक जाए। मसाले को बिल्कुल पका लेना है भुनाई करते हुए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि बिल्कुल इसमें ऑयल अलग हो जाना चाहिए। और ये देखें कि इसमें ऑयल बिल्कुल अलग हो और मसाला बिल्कुल एक स्मूथ हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ, और इसमें से मसाले की पकी हुई खुशबू आने लग जाए। अब इस वक्त मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तकरीबन मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, डिपेंड करता है गोश्त पर। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे मैं कवर कर दूँगी 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि ये गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से इसमें गल जाए। इसको एक तरफ रखेंगे हम गलने के लिए, और मसाले जो मैंने निकाले हैं उसको मैं रोस्ट कर लूँगी। ये देखें, बस मैं इसे इन तमाम मसालों को लाइट रोस्ट कर रही हूँ। और रोस्ट करने के बाद मैं अरवी को भी, अच्छा अरवी के को कटिंग करने के बाद इसके धोने का जो मेथड है, जो तरीका है धोने का, नमक लगाकर उस तरह से, ये मैंने पिछली वीडियो में जो है वो, जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बताया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से धोकर फिर इसे स्ट्रेन कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे अरवी को। अब ये गोश्त हमारा गल चुका है तकरीबन, तो मैंने इसमें दही ऐड कर दिया और साथ ही ये मसाले भी ऐड कर दिए, जो मैंने मसाले को ग्राइंड करके रखा था रोस्ट करने के बाद, वो मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया। और जो अरवी मैंने फ्राई कर लिया, अरवी को पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून, और उसको फ्राई कर लेंगे पहले, और इसे अब मैंने कवर कर दिया। ये देखें, तो जो पानी पहले से मौजूद था उसी में अरवी के, अरवी तो वैसे भी फ्राई करते ही अरवी गल चुकी है, लेकिन तकरीबन इसको थोड़ा सा और चाहिए सॉफ्ट होने का, तो इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया था 3 से 4 मिनट, ताकि अरवी जो है वो बिल्कुल गल जाए। और जैसे ही इसकी भुनाई हो गई, मैंने इसमें जितना मुझे ग्रेवी रखना है, जितना शोरबा मुझे, ये शोरबे वाला है, जितना शोरबा रखना था मैंने उसको पानी डाल दिया, और साथ ही हरा धनिया जो है वो इसमें ऐड कर दिया। हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, और ये देखें मज़ेदार से जो है वो दम पे इसे रखेंगे 2 मिनट के लिए और इसे डिश आउट कर लेंगे। ये मज़ेदार सा अरवी गोश्त हमारा तैयार है। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनती है, बहुत बेहतरीन, ज़ायकेदार। चाहें चावलों के साथ खाएं, चाहें रोटी के साथ खाएं, जैसे आप खाना चाहें। और बहुत मज़े का ये सालन लगता है और ये रेसिपी लगती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ईद के मौके पर, तो बिलखसूस ताज़े गोश्त के साथ इसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।